साहस सरोकार। गुजरात के गांधीनगर में होगा राष्ट्रीय मेयर सम्मेलन, पीएम मोदी डिजिटल माध्यम से करेंगे उद्घाटन। आज से 2 दिवसीय मिशन गुजरात पर जेपी नड्डा चुनावी तैयारियों का लेंगे जायजा। सहारनपुर में खिलाड़ियों का खाना टॉयलेट में रखवाया, मामले में एक अधिकारी निलंबित। राष्ट्रपति मुर्मू ने 8 IIT के निदेशकों की नियुक्ति को दी मंजूरी। T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए न्यूजीलैंड ने की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान, इन खिलाड़ियों को मिला मौका। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। सिद्धार्थनगर में थाना गोलहौरा के कस्बा निगजिनवा के चेतिया मार्ग व जिनहवा में गोठवा को जाने वाली सड़क बनवाने की मांग को लेकर कई लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों ने पथराव करना शुरू कर दिया, जिस पर इन्हें प्रशासन की तरफ से समझाया बुझाया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी उग्र होते जा रहे थे, जिस पर पुलिस प्रशासन ने मौके पर सख्त कदम उठाते हुए मामले को शांत करवाया। अलीगढ़ की चर्चित व विवादों के घेरे में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी की नेत्री रूबी आसिफ खान का बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ईरान की राजधानी तेहरान में हिजाब ना पहनने को लेकर तेहरान पुलिस द्वारा एक युवती को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने युवती के साथ मारपीट की, जिससे युवती की मौत हो गई थी। घटना के बाद ईरान में महिलाओं ने अस्पताल के बाहर अपना हिजाब उतार कर मौजूदा सरकार व कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था। इसके साथ ही रूबी आसिफ खान ने कहा कि ऐसा इस्लाम में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि महिलाओं को जबरन हिजाब पहनाया जाए। ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। बहन बेटियों को सबको अपना जीने का अधिकार है अपनी मनमानी से, लेकिन हमारा मुल्क और हमारा मजहब दीन इस्लाम ये नहीं सिखाता कि किसी भी बहन बेटी के साथ जबरदस्ती की जाए या कोई अत्याचार की जाए किया जाए तो उसको ये कहने पर पहनने पर मजबूर करें कि हिजाब पहनो। ये कोई कानून लागू नहीं है और ना ही ऐसा है हमारे देश के अंदर। लेकिन ईरान में जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। एक बहन के साथ में ये अच्छा नहीं हुआ, एक अत्याचार हुआ है कि उसको ले गए जबरदस्ती, ले जाने के बाद फिर उसका लाश मिली, उसका कोई पता नहीं क्या करा उसके साथ। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क के क्षेत्र में अचल ताल पर विद्यालयों में सीट वृद्धि न होने से आक्रोशित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का पुतला दहन किया है। वहीं पुतला दहन के दौरान अखिल भारतीय विद्यालय परिषद के कार्यकर्ताओं और पुलिस में तीखी झड़प हुई है। बातचीत के दौरान छात्राओं ने कहा कि हर वर्ष विद्यालय में 20% सीटों की वृद्धि की जाती है और इस बार किसी विद्यालय में सीट वृद्धि नहीं की गई है, जो कि छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। भविष्य के साथ कोई चिंता नहीं है, हम 30% सीट वृद्धि बढ़ती आ रही है, लेकिन इस बार राजा महेंद्र प्रताप पीसी के साथ में सीटें नहीं बढ़ेंगी और उनने हमारा लेटर पैड जो ज्ञापन दे गए थे वो ज्ञापन पुनः फेंक दिया। इस विरोध में आज विद्यार्थी परिषद ने अचल ताल कार्यालय पर यह विरोध प्रदर्शन पुतला फूंक कर किया है। किसका पुतला फूंक रहा है? आज राजा महेंद्र प्रताप पीसी का पुतला हमने आज यहाँ पे दहन किया है। यहाँ पे पुलिस जो हुई है जिसमें कि पुलिस का
है, अपना काम है वो कर रही है। तो हमारा काम है मतलब भूखना छात्रों विरोधी फैसलों के खिलाफ आवाज उठाना। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर द्वारा किसी साहब को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें विश्व महाविद्यालयों में 33% सीट बढ़ोतरी को लेकर ज्ञापन दिया गया। किसी साहब ने वो ज्ञापन फेंक दिया था, मना कर दिया था, प्राइवेट कॉलेजों से लगाई नहीं खाते और हम 33% सीट बढ़ोतरी किस तरीके से विरोध किया है आपने? हमने आज किसी साहब का मतलब क्या नाम है? क्या नाम है? खुशी से। सीतापुर में तहसील विशंबा के मोहल्ला महाराजा वार्ड में लोग जलभराव और पानी निकासी की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जहां के लोग अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। इतना ही नहीं, रास्तों के साथ साथ अब घरों में भी पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। पानी भरने की वजह से बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर राजनीतिक दल वोट मांगने तो आते हैं, पर समस्या कोई नहीं सुनता, जिससे नाराज से के लोगों ने इस मतदान का बहिष्कार करने की बात कही है। औरैया जिले में बिजली से जुड़ी समस्याओं का बिना देरी किए निस्तारण कराए जाने के उद्देश्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर विद्युत विभाग में विद्युत समाधान सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें आम जनता की समस्याओं का निस्तारण किया गया। सप्ताह के अंतिम दिन विद्युत विभाग में समस्याओं का निस्तारण कराए जाने के लिए उपभोक्ताओं की भारी भीड़ एकत्रित हुई और इससे लोगों के बिल संबंधी समस्या व अन्य समस्याओं का निस्तारण किया गया। बिजली विभाग द्वारा 12 से 19 सितंबर तक उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित निवारण हेतु यह कैंप लगाया गया है, जो सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुना जा रहा है। इसमें कोई भी उपभोक्ता मीटर खराब है, फिर उसका कोई गड़बड़ी है, अन्य कोई समस्याएं हैं, तत्काल देख के चेक करा के उसका निवारण किया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शाहिद हमसे जुड़ेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ताहिर हमसे जुड़ेंगे। जाहिद, बिजली की समस्याओं को बिना देरी किए विद्युत समाधान सप्ताह का आयोजन किया गया, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक विद्युत समाधान सप्ताह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर 12 अगस्त से कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया गया, ज्यादा से ज्यादा लोग बिल जमा कर सके, जिससे कि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं SDO महेंद्र कुमार जी ने बताया कि सरकार के निर्देश के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें काफी लोग अपनी समस्याओं का समाधान करा रहे हैं। जी धन्यवाद जाहिद तमाम जानकारियों के लिए। बुलंदशहर में शिकारपुर नगर में रंगदारी मांगने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक शिकारपुर की चेयरमैन फूलवती राणा को अज्ञात व्यक्ति ने जेल का हवाला देकर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है, जिसके बाद चेयरमैन ने खुद कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद SSP ने चेयरमैन को मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कि आज सुबह 10:53 के लगभग मेरे पास एक कॉल आई थी और उन्होंने कहा कि आप फूलवती राणा बोल रही हैं। मैंने कहा जी बताइए आपकी क्या समस्या है, कि मैं जेल से बोल रहा हूँ और आप चुनाव लड़ रही हैं। मैंने कहा जी कि आपको पैसे पहुँचवाने होंगे। मैंने कहा पैसे किस बात के लिए, क्या आप मुझे पहचानी? मैंने कहा मैं तो नहीं पहचानी आपको। मैंने कहा मैं अभी आपके चेयरमैन साहब से बात कराती हूँ। अच्छा, आप चेयरमैन साहब से बात कराएंगी? तो उन्होंने बड़ा धमकी भरे लहजे में मुझसे कहा कि आप 5 लाख रुपए तुरंत पहुँचवाएँ और मुझे दोबारा कॉल करने की ज़रूरत न पड़े। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विशाल हमसे जुड़ेंगे। विशाल, रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या जानकारी है इसको लेकर?
जी मैं आपको बता दूं, ये जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर चेयरमैन फूलवती रानी को एक अज्ञात व्यक्ति ने जेल से फोन किया था और उनसे 5 लाख की रंगदारी मांगी थी। आप 5 लाख रुपए नहीं दोगे तो मैं कई ऐसी गलत भाषा किए गए थे, उनको मारने की धमकी भी और तरीका भी बोला गया था। उन्होंने डर के मारे एक थाने में तैर दी है और एसपी को प्रार्थना पत्र भेजा है और एक मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र भेजा है। अपनी आरोपियों के उसमें तलाशी कर रही है पुलिस, इस समय लगी हुई है। जी धन्यवाद विशाल हमसे जुड़ने के लिए। अलीगढ़ में जीआरपी व थाना गांधी पार्क पुलिस की संवेदनहीनता का मामला सामने आया है, जहां क्षेत्र के नौरंगाबाद छावनी से गुजर रही रेलवे ट्रैक पर तेज बारिश के दौरान एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। लोगों ने पुलिस व एम्बुलेंस कंट्रोल रूम को मोबाइल फोन के जरिए संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिल सकी। 2.5 घंटे बीत जाने तक ना तो थाना पुलिस पहुंची और ना ही जीआरपी पुलिस ने मौके पर पहुंचने की सहमति उठाई। उसके बाद जब मौके पर 2.5 से 3 घंटा बीत जाने के बाद 108 एम्बुलेंस सेवा पहुंची, तब जाकर घायल युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने के चलते जेएन मेडिकल कॉलेज के लिए भेज दिया गया। भोगांव थाना अंतर्गत कल एक लड़की द्वारा आत्महत्या की घटना कारित हुई। इस संबंध में परिजनों के तहरीर के आधार पर दोषी के विरुद्ध धारा 306 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। प्रयागराज में यमुना पार के नैनी थाना क्षेत्र के डांडी इलाके में एक युवक ने हथौड़े से हमला कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद खून से लथपथ हथौड़ा लेकर थाने पहुंच गया। पुलिस ने युवक को तुरंत हिरासत में ले लिया और लाश को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही घटनास्थल पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया और फॉरेंसिक टीम साक्ष्य को ढूंढने में जुटी हुई है। पुलिस की जांच में हत्या की वजह घरेलू कलह सामने आई है। पुलिस और भी पहलुओं पर जांच कर रही है। सर, नैनी थाना क्षेत्र में एक हत्या का मामला सामने, क्या मामला है, क्या कार्रवाई की? थाना नैनी क्षेत्र में एक महिला की उसके पति द्वारा जो है वो ब्लंट ऑब्जेक्ट से उस पर हमला करके उसकी हत्या का मामला प्रकाश में आ गया है। अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ जारी है। इन चीज़ों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि उसके द्वारा क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। अभियोग पंजीकृत करके आगे की विधि कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ में थाना सिविल लाइन क्षेत्र के जमालपुर पुल के पास 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद राहगीरों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए टेम्पो से जेएन मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को भी सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। भगवान गढ़ी जमालपुर वाला फाटक का पुल है, अलवर का स्कूल। क्या हुआ था यहाँ? यहाँ एक्सीडेंट हुआ 2 बाइकों का, उनकी ज्यादा हालत है, सीरियस हालत है। कितनी चोट आई होगी वैसे? उनके सिर में काफी चोट है, काफी खून पड़ा हुआ है, वो सीरियस हालत में है। 10 मिनट तक तो वो पड़े नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं। ये कोई जानकारी है, ये कहाँ के लोग थे, कौन थे? पता लग रहा है वो कल सरदार थे, वो कल्लूपुरा के थे। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।